सर बैंक में प्लीज पढ़ने सर थैंक यू सर। अभिषेक जी आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं तो यहाँ क्यों चले आए आप कोई बड़ा काम कर सकते हैं वहाँ, यहाँ तो कोई साधारण प्रणाली का आदमी भी किसी पद पर काम करता है, आपका काम तो सब लोग नहीं कर सकते जिन जो डिग्री आपके पास है सर। बिल्कुल आपके पास अच्छा सब्जेक्ट भी आपने यहाँ ज्योग्राफी लिया और क्या सोशल वर्क यस सर स्विच ओवर किया आपने अपने फील्ड से सर सब ठीक है वहाँ काम कर रहे हैं अच्छा किसने सबसे पहले ये डिस्कवर किया कि दुनिया गोल है? सर ये डिस्कवरी के लिए भी बात है लेकिन ये आर्यभट्ट को माना जाता है। आर्यभट्ट को माना जाता है दुनिया गोल है सॉरी ये वो तो आर्यभट्ट का तो फील्ड दूसरा है। नहीं सर आर्यभट्ट का फील्ड दूसरा है गुप्त काल में एक नहीं सुनिए जाने दीजिए अच्छा और पूछते हैं ये बताइए कि डॉलर पर किसकी तस्वीर होती है? डॉलर देखें अमेरिका सर देखिए नहीं फोटोज में देखें अब्राहम लिंकन साहब की होती है नहीं बड़े बड़े बात हैं अच्छा यूएसए की राजधानी क्या है? सर यूएसए की राजधानी वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी डीसी क्यों लगाया गया वाशिंगटन नहीं रहता? सर जानकारी नहीं सर वाशिंगटन नाम का एक स्टेट है इसलिए वाशिंगटन डीसी किया गया। अच्छा ये बताएं आप कि कहा जाता है कि जहाँ हिमालय है आज वहाँ कभी समुद्र था, ऐसा कहने का आधार क्या है? सर ऐसा कहने का आधार सर वहाँ पे टिहरी सागर की माना जाता है, पहले जो है जो विश्व है वो दो भागों में पृथ्वी विभाजित थी अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, तो जो भूमिगत बल है उनके कारण जो है हिमालय का निर्माण हुआ है प्लेटो के खिसकने के कारण। सर मेरे प्रश्न पूछा टू द पॉइंट उत्तर देंगे सर यूरेशिया प्लेट और इंडोस पूछना था कि जो हिमालय पर्वतमाला है वहाँ पहले टिहरी सागर बना था, क्या इसके प्रमाण सर? सर इसके प्रमाण ये है कि जो हिमालय का निर्माण जिन अवसादों से हुआ है उसकी जांच उसकी जब कार्बन डेटिंग से उसकी जांच की जाती है तो उसमें टिहरी सागर के प्रमाण मिलते हैं और अभी भी उसमें जो है प्लेटों के खिसकने से जो घटनाएं होती हैं वो ये बताती हैं कि हिमालय की उत्पत्ति उस टिहरी सागर से ही हुई है। ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी हैं? सर ग्रीन हाउस गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, SO2 है, सल्फर डाइऑक्साइड, SF6 है, पैरा फ्लोरोकार्बन PF है, सब छह गैसों को माना जाता है। सबसे ज्यादा इसमें से जो है प्रदूषण करने वाली कौन सी गैस है? सबसे ज्यादा इन छह गैस करने वाली SF6 है। कहाँ से निकलती है? सर सॉरी सर सर इंडस्ट्री डिजिटल इंडिया yes, मोदी जी का एक सपना है yes, क्या इसकी खास बातें हैं? सर डिजिटल इंडिया जो है आज की दुनिया में फोर्थ जनरेशन में इसको माना जाता है, टेक्नोलॉजी का इम्प्रूवमेंट ज्यादा हो रहा है और लोगों को एक प्लेटफॉर्म देने के लिए उनको मेनस्ट्रीम करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूटिलाइजेशन किया जा रहा है, जैसे किसी का फाइनेंशियल इंक्लूजन करना है या फिर किसी बेनिफिशियरी जो लास्ट मार्जिन है अंतिम व्यक्ति है उस तक सुविधाओं को सुचारू रूप से और एफिशिएंट तरीके से पहुंचाने के लिए इसका उपयोग किया जा रहा है। ये क्वेश्चन इसलिए मैंने पूछा जी सर ने आपसे पूछा था कि आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग के हैं टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं आप यहाँ क्यों होना चाहते हैं तो उससे जोड़ करके आपको बताना चाहिए था कि आज की दुनिया में जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है, ई गवर्नेंस की बात की जाती है और मेरा जो वहाँ साइबर क्राइम्स की बात की जाती है, साइबर क्राइम्स हो रहे हैं, साइबर लॉ बन रहे हैं, तो वहाँ जो हमारा एक टेक्नोलॉजी का ज्ञान है उसको हम यहाँ पर यूज करेंगे टेक्नोलॉजी जो है। अच्छा एक सवाल और सर नहीं भूल जाऊँ दो डिजिटल डिविडेंड डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात मोदी जी ने किया था ये क्या है? सर
डेमोग्राफिक डिविडेंड सर, डेमोग्राफिक डिविडेंड जो वर्किंग पॉपुलेशन कार्यशील जनसंख्या को कहा जाता है कि भारत में वर्तमान में जो कार्यशील जनसंख्या है जिसको 16 वर्ष से 59 वर्ष तक माना जाता है, जिसकी औसतन आयु 30 वर्ष माना जाता है, वो जनसंख्या जो है विश्व में सबसे ज़्यादा है। और ये जनसंख्या देश के भविष्य के लिए या उसके लिए जो भी डेवलपमेंट कार्य हो रहे हैं उसमें अपना अहम योगदान दे सकती है। तो जिस जनसंख्या जिस देश का राष्ट्र का डेमोग्राफिक कितने परसेंट करीब है इंडिया का सर डेटा में इस एज ग्रुप के सर 25 से 35 के बीच में जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो विश्व में सबसे ज़्यादा है, पहले चाइना की थी। ठीक है सर, आप पूछिए। जो कि टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं आप और पंजाब में मतलब पैक से किया आपने यस सर। और टेक्नोलॉजी में एक बड़ा आजकल लेटेस्ट नाम जुड़ रहा है टेक्नोलॉजी में, और वो सिविल में और डिफेंस में दोनों में इक्वली इम्पॉर्टेंट है, उसको लेके बड़ी चर्चा पूरी दुनिया में। वो क्या है मैंने ये कहा टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ एक जिसको एक कंट्री ने अभी उसको सिटीजनशिप भी दिया है सर, रोबोट, तो उसको क्या 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 है उसका नाम, वैसे उस टेक्नोलॉजी को क्या नाम है सर? रोबोट है वो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यस आर्टिफिशियल, दैट इज द प्रॉपर आंसर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और एक कंट्री ऐसा है जिसने अभी वहाँ एक रोबोट को अब सिटीजनशिप दिया है, रोबोट को। हाँ सर, सऊदी अरेबिया ने। करेक्ट, वेरी गुड, वेरी गुड। क्योंकि यू रिलेट्स टू द टेक्नोलॉजी, तो आई थिंक सच टाइप ऑफ क्वेश्चन यू शुड गेट रेडी एवरी टाइम टू बाउंस बिफोर द बोर्ड। रोबोट ड्राइविंग का काम राइट कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में वो मतलब एक उसमें फील्ड में बैटल फील्ड में बैटल फील्ड में शॉटिंग मतलब शॉट करने के लिए शूटिंग करने के लिए से लेके और हर वो काम करने के लिए जिसमें मैन बिहाइंड द मशीन इम्पॉर्टेंट है, दे विल प्ले इम्पॉर्टेंट रोल। ठीक है ना, एग्रीकल्चर है आपका, होटल में काम है, इंडस्ट्रीज में है, दे विल प्ले द इक्वली इम्पॉर्टेंट रोल इन एवरी फील्ड एज फार एज सिविल इज कंसर्न एज फार एज डिफेंस इज कंसर्न। ठीक है, एक और चीज़ बताइए आप, CPEC का नाम सुना आपने, हैव यू हर्ड द नेम ऑफ CPEC? क्या है ये सर? चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये किससे जुड़ा हुआ है क्या सर? ये चाइना के प्रांत से लेके सर प्रांत का नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, चाइना से लेके पाकिस्तान तक एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया जा रहा है जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर से गुजर रहा है। तो ये सर चाइना के जो भी प्रोडक्शन है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट है, उनको पाकिस्तान तक पहुंचाया जाएगा, फिर वो अन्य देशों तक पहुंचाने के लिए उनके कार्य। अन्य देशों तक पहुंचाने का जो रोल है वो किसके जिम्मे है सर? जब पाकिस्तान में वो प्रोडक्ट आएगा उससे संलग्न जो राष्ट्र है जैसे वो, ठीक वो मैं समझ गया इतना तो, आई गॉट व्हाट यू आर सेइंग। CPEC की तो बात आपने कर दी, लेकिन ये वहाँ तक आप कर रहे हैं कि चाइना पाकिस्तान तक, उससे आगे पूरी दुनिया में उसका एक्सपेंशन होगा, वो कैसे होगा सर? उसकी दुनिया में वहाँ से एक्सपेंशन जो रिंग ऑफ फेंस जिसको भारत नाम देता है, जो इकोनॉमिक कॉरिडोर OBR वन वे वन रोड इनिशिएटिव, ये उससे उसको लिंक कर दिया जाएगा और उसकी पहुँच OBR से लिंक क्या, वो पर्पज ही उसका वही है, जस्ट टू कनेक्ट इट, जिसमें एशिया अफ्रीका और यूरोप तीनों की कनेक्टिविटी हो जाएगी रोड से और सी से, इट शुड बी इन योर माइंड। ठीक है, एक और चीज़ बताइए आप, स्पेस में भारत का क्या कंट्रीब्यूशन है सर? स्पेस में भारत अभी हाल ही में चंद्रयान 2 लॉन्च करने की योजना बना रहा है फरवरी में, और जो स्पेस का हमारा कमर्शियल सेक्शन है अंतरिक्ष, वो दूसरे देशों अन्य देशों के सैटेलाइट्स लॉन्च करता है जिससे देश को आय होती है, और हमारी तकनीक विदेशों में जा रही है और कुछ तकनीक हम इंडिजिनसली डेवलप कर रहे हैं जो सिर्फ भारत ने किया है। उदाहरण स्वरूप सर, जैसे मार्स ऑर्बिटर मिशन जो था वो एक भारतीय तकनीक थी जो कम खर्च में मंगलयान पे पहुंचने में, दो मिशन थे मून और मार्स। यस सर, ठीक है, और मंगलयान का वो चल रहा है। यस सर, एक चीज़ ये बताइए इससे जुड़ा हुआ कि क्यों इस टेक्नोलॉजी को ज़्यादा प्रेफर किया जा रहा है पूरी दुनिया में भारत की अंतरिक्ष सर? क्योंकि ये सबसे एफिशिएंट टेक्नोलॉजी है, इसमें खर्च कम है। यस yes, वो इकोनॉमिक सबसे वो है, वो तो एफिशिएंट बहुत ही टेक्नोलॉजी है इससे, लेकिन ये कम खर्च
अभी कुछ ही दिनों पहले एक सैटेलाइट भेजा गया है जिस कितने देशों को उससे फायदा मिलेगा। अच्छा एक सवाल मेरा मेरी तरफ से आखिरी आपने ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? संचार उपग्रह जो है जो भी भेजा गया है कम्युनिकेशन थोड़े दिन पहले ही तो सर वो जो भी सार्क देश हैं वो सार्क सैटेलाइट अलग है, वो सार्क सैटेलाइट अलग। एक इंडिया और पाकिस्तान, इंडिया और अमेरिका के बीच एक एग्रीमेंट हुआ है जिसको 2+2 बोलते हैं, एक वार्ता हुई थी आपको ध्यान हो पढ़ा होगा, उसमें कुछ इससे जुड़ा हुआ कोई फैक्टर आया है कम्युनिकेशन से सर, टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ सर? उसमें कंपोशा एक टेक्नोलॉजी है, उस जो एक ऐसी कम्युनिकेशन की टेक्नोलॉजी जो कोई भी देश उसको पेंट्रेट नहीं कर सकता, वो अमेरिका से भारत को मिलने वाली है 2+2। और 2+2 का जो एग्रीमेंट है भारत और अमेरिका के बीच में वो जियो स्टेट जो जियो पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है। yes, समझ गया। लास्ट क्वेश्चन मेरा ये कि आप डिप्टी कलेक्टर क्यों बनना चाहते हैं, डिप्टी एसपी क्यों नहीं पहले नंबर पर? फर्स्ट प्राइज आपका डिप्टी कलेक्टर सर। डिप्टी कलेक्टर में जो जॉब की डाइवर्सिटी है वो ज़्यादा है और उसमें एक सोशल रिस्पेक्ट है जिसको मैंने प्रेफर किया और उसको मैंने अपने गोल के रूप में देखा था। नहीं, आप रिस्पेक्ट को गोल के रूप में देख रहे हैं या सर्विस को गोल के रूप में? सर बहुत है, उसमें कार्य करने के जो क्षेत्र हैं वो डिप्टी एस पी से ज़्यादा है उसके क्षेत्र। आप सम्मान के लिए आना चाहते हैं या सेवा के लिए आना चाहते हैं? सर मैं दोनों के लिए आना चाहता हूँ। इन दोनों में से महत्व आप किसको ज्यादा देंगे? सर महत्व तो सेवा को देंगे, सेवा लेकिन उसके साथ सोशल डिग्निटी जुड़ी हुई है तो इसलिए हमें पसंद है सर्विस। अच्छा ये बताइए क्यों नहीं, कौन सी क्वालिटी आप ऐसा महसूस करते हैं कि जिससे आपको कोई क्वालिटी बताइए? सर जैसे कि मैं इंजीनियरिंग के दौरान हमें ट्रेनिंग दी जाती है, कोई भी प्रोजेक्ट हम लोग बनाते हैं तो उसकी प्लानिंग करते हैं, उसकी डिजाइनिंग करते हैं, उसको ऑपरेट करते हैं और कोई प्रॉब्लम आती है तो उस प्रॉब्लम को ड्रॉबैक को हम लोग रिमूव करके सिस्टम को एफिशिएंट बनाते हैं। आप इसको सब्जेक्टिव मत बताइए, टेलिंग इन ऑब्जेक्टिव। आप साइंस के आदमी हैं, आप तीन फैक्टर बताइए जो आप समझते हैं कि देयर पर्सनालिटी में ऐसे कौन सी तीन चीजें हैं दे आर वेरी क्रूशियल फॉर यू टू मेक योर सब्जेक्ट सेलेक्टर बन जाए। सर जो मेरी वर्क एक्सपीरियंस है उससे संबंधित कोई भी रिकमेंडेशन आप, मैं फिर कह रहा हूं सब्जेक्टिव नहीं ऑब्जेक्टिव बताइए। तीन आपकी पर्सनालिटी में कौन कौन से गुण हैं? पर्सनैलिटी के कौन तीन गुण हैं जो आपकी पर्सनैलिटी में भी हैं? सर मैं जिसके क्रिएटिव हूँ, अच्छा मैं पंक्चुअल हूँ और मैं लेबोरियस। ये तीनों चीज़ आपने कहीं सुना है? कोई आदमी जो किसी भी छोटी पोस्ट पर इंटरव्यू देने जाता है वो कहता है मेरे में ये तीन चीज़ नहीं है? तो ये तो ऐसी कोई चीज़ आपने बताई नहीं कि जो आपको इसको देखते ही कहा जाए कि यू आर वेरी डायनेमिक एंड वेरी कॉम्पिटेंट पर्सन टू बिकम सब डिफिकल्ट प्लान दिया जो भी योजनाएं या जो भी कब कब बहुत लंबा टाइम आपको नहीं लेंगे वापस फोन करना चाहेंगे जेंटलमैन। पहली चीज़ है यू शुड हैव वेरी एक्सीलेंट एबिलिटी टू टेक डिसीजन एट द राइट टाइम, ठीक है। नंबर टू यू शुड हैव एक्सीलेंट कैपेसिटी ऑफ इलास्टिसिटी। नंबर थ्री यू शुड हैव अ लीडरशिप क्वालिटी एंड फोर्थ फिफ्थ सिक्स यू सर्च योर सेल्फ, ठीक है। थैंक यू। अच्छा एक चीज़ लास्ट, तुम महाराजन के रहने वाले हो, यू बिलोंग टू महाराज, कोई ऐसा आदमी है जो जिससे तुमको प्रेरणा मिली हुई एसडीएम बनने की, कोई आसपास कोई ऐसा बताओ पटेलों में? सॉरी सर मैं महाराजगंज रहा नहीं हूँ। अच्छा अच्छा मैं महाराजगंज से बिलोंग करता हूँ लेकिन मेरी स्टडी महाराजगंज। तुम्हारे पटेल फैमिली एक, तुम वहाँ हाई स्कूल वगैरह कहाँ से किया है तुमने? नवोदय से किया है, वहीं से उसी इलाके से। एक बाली में इंटर कॉलेज, राष्ट्रीय इंटरमीडिएट कॉलेज बाली, निचलोड़ बाली, सुना तुम्हारे महाराजगंज से लगा हुआ है? यस सर। वहाँ एक लड़की है गरिमा पटेल, वो एसडीएम है और उसका एक भाई जो है डिप्टी एसपी, दोनों तुम्हारे पास के ही। हमें कहा हो सकता है तुम उनसे कोई इंस्पायर हुए हो, बिल्कुल यंग बच्चे हैं दोनों। कब है जरूर पटेल जी हम तो आप बस न्यूज़पेपर विश्व ऑल द बेस्ट पढ़िए, ठीक है। पर ज़्यादातर सवाल पूछे जाते हैं, सब्जेक्ट पर आपसे सवाल जो पूछे नहीं वो तो आप कोई दिक्कत नहीं, आप सिलेक्ट हो जाएंगे, आप अच्छे आंसर दे तुम न्यूज़पेपर जरा पढ़िए कायदे से, बहुत सीरियस ना रहिए, रिलैक्स रहिए, स्माइल करो। तुम ये जब इंटर करो तो तुम ये अपने को प्रूव करो कि आई एम द बेस्ट। और कोई चीज़ नहीं आती सोचिए तो कह दीजिए सॉरी सर, सॉरी सर कहेंगे तो आपकी इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी समझी जाएगी। कोई हर कोई आदमी सर्वज्ञ नहीं है। उसके बाद बोर्ड में जब जाओ तो तुम ये मान के चलो कि मैं तो यहाँ से निकलते ही मैं एसडीएम बन चुका, बस ये कॉन्फिडेंस रखो अपने दिमाग।
प्रसन्न रहो, बी स्टेट फॉर कि हम लोगों को आप नर्वस नहीं हो रहे हैं। ठीक है पटेल, तो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, प्लीज दिस इज बेस्ट ऑफ लक।